हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर देखिए लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने टिल क्वेश्चन नंबर टू हमने कैपिटल बजटिंग एस्टिमेट किया था सो दिस इज द कंटिन्यूशन वीडियो ऑन कैपिटल बजटिंग एस्टिमेशन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थ्री सो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलते हैं अफर्म बाइज एंड एसड कॉस्टिंग रुपीज टू लैक एंड एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन दैट इज एट द रेट फिफ्टीन परसेंट ऑन डब्लू डीबी एंड टैक्सेंट पर नेक्स्ट फोर ईयर विच दी एसेट वुड बी डिस्पोज ऑफ रुपीज फोर्टी थाउजेंड फाइंड आउट कैश फ्लो फॉर डिफरेंट ईयर्स देखिए क्वेश्चन पता क्या कहता है कि एक एसेट है जो कि उसकी जो इनिशियल जो प्राइस है वो कितनी है दो लाख रुपए की है और हर साल वो मशीन जो है या वो एसेट जो है वो पैंतीस हजार कि हर साल यानी कि चार साल में चार साल वो पैंतीस हजार रुपये जो है वो प्रॉफिट कमा के दे रही है लेकिन वो कौन सा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है बिफोर बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स तो यानी कि हमें हमें जो आफ्टर निकालना है, है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स तो उसको हम एडजस्टमेंट करेंगे उसके बाद वही सेम एसेट जो है एट द दाख चालीस हजार की वो स्क्रैपे डिस्पोज हो रही है

तो हमें ये अलग अलग टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर साल का प्रॉफिट सेम होता तो हमें बस नीचे लिख देते एक नोट में कि सिंस द डेप्रिसिएशन मेथड इज एस एल एम सो द प्रॉफिट वुड बी सेम फॉर एवरी ईयर राइट बट इन दिस केस द डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू सो वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर डिफरेंट ईयर्स So, यहां पर पहले देखेंगे हम क्या लिखे यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना है 35, 35, है दैट इज फॉर फॉर ईच ईच ईयर ईयर इसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यू डीवी दैट मीनस थर्टी ईयर देन दिस मच अमाउंट फॉर सेकंड ईयर देन थर्ड ईयर एंड देयर ये डब्ल्यू डी वी मेथड से कैलकुलेट किया हुआ है राइट right? इसके बाद देखिए आपके हाथ पे क्या अमाउंट आया है ये अमाउंट क्या है आपके पास दैट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स ठीक है ये अमाउंट है अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है दैट मीनस फोर्टी परसेंट रेट पे तो आपके पास ये फिगर कौन सी है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना कितना अमाउंट है टू थाउजेंड से फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवन नाइन नाइन फाइव एंड नाइन नाइन फोर सिक्स अब हम डेप्रेशन ऐड बैक करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि डेपरेशन की आपका डाउन कैश आइटम है तो उसको हम ऐडबैक करेंगे and and after that you will get profit before depreciation and tax, right? so this is the for the 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 for for subsequent cash cash inflow for each year. now comment to the terminal cash inflow. Deekhi, jo machine wo at the end लेकिन जो एक चालीस जो वैल्यू बिक्री है क्या उसकी आज की कोई कुछ बुक वैल्यू भी दोगी तो आपको क्या करना है आपको क्या करना है टू lakh में से हर साल आप जो है डेप्रिशिएशन डेप्रेशियन का रेट कितना है देखिए यहाँ पर

नाउ मोर्मी टू क्वेश्चन बरफोर फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑन देश ऑफ विच कैलकुलेट एनअल कैश फॉर inflows। हमें सिर्फ इनफ्लो के बारे में है, आउटफ्लो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या बोला कि सेल्स रेवेन्यू कितना उस पे जो हम मीन कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस जो इंक्लूड हो रहे हैं डेपरेशन और दैट इज सिक्स अमाउंट है इसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स केवन आपको टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड इंटरेस्टी थाउजेंड प्रॉफिट नाइन्टी थाउजेंड फोर्टी परसेंट टैक्स से अब आपके पास आपके हाथ में क्या होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थाउजेंड देखिए आपसे हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द एनुअल कैश इनफ्लो फॉर ईयर दैट मीन दे आर आस्किंग फॉर सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज और सबसे कैश इनफ्लो में क्या निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स राइट तो हम क्या करेंगे सीधे सीधा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस वैली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इसमें हम क्या करेंगे सॉरी uh, सॉरी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर डिप्रेशन माइनस कर दिया था देखिए टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड पे इंटरेस्ट माइनस प्रॉफिट ये आ गया हाँ जी अच्छा हाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस करेंगे

क्या लिखा है देखिए जयदिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर विच रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एस असल देखिए अब तक हमने जो फर्स्ट फॉर क्वेश्चन किए हैं उसमें देखिए हम जो काफी बेसिक थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो मशीनरी जो हम परचेज करे दें यानी कि पुरानी मशीन की कोई बात नहीं की थी लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है यहाँ पर क्या है? वो एक इन्वेस्टमेंट कहते हैं प्रपोजल की बात कर रहा है दैट उसके पास कोई पहले कोई प्रोजेक्ट था पुराना अब वो नया प्रोजेक्ट जो है उस पर कुछ वो पॉइंट्स है वो कंसिडर करना चाहता है कि क्या वो उसको ऑप्ट करें या ना करें तो यहाँ पर आप आपको थोड़ा क्वेश्चन जो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सो इट्स बेटर कि आप जो है क्वेश्चन को आ, आ, आराम से पढ़ें और क्वेश्चन को को तो समझें कि क्वेश्चन में पूछा पूछा क्या है तो देखिए पहले लिखा हुआ है आपका दैट इज परचेज प्राइस ऑफ द न्यू एसर दैट इज रुपीज़ टेन लैख इंसॉलेशन कोर्स रुपीज़ टू लैख इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन जीरो ईयर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई फैक्ट्री सेटअप की है तो फैक्ट्री के लिए देखिए आपको वर्किंग कैपिटल तो होगा ही होगा यानी कि किस लेवल का आपको जो है स्टॉक लेवल मेंटेन रखना होगा अब जो कोई भी बिजनेस देखिए कैश बेसिस पे तो चलता ही नहीं है क्रेडिट बेसिस पे चलता है कुछ आपके डेटर्स होंगे कुछ क्रेडिटर्स होंगे कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो आपको डेली बेसिस पे मेंटेन रखना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट ठीक है तो कुछ फंड आपका जो वो ब्लॉक हो जाता है तो वो ब्लॉक हो जाता है दैट मीन्स आपके एक जेब से दो पॉकेट से वो चला जाता है तो वही लिखा होगा दैट मीन्स जब आप कोई न्यू एसेट परचेज करोगे तो उसका एडिशनल

एसेट रखी है ओल्ड एसेट उसकी बुक वैल्यू कितनी है थ्री लाख प्रेजेंट स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट है कि अगर आज वो ओल्ड ओल्ड एसेट को स्क्रैप में निकाल देता है तो उसकी वैल्यू कितनी है फाइव लाख रेवेन्यू फ्रॉम ओल्ड एसेट नाइनटीन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कैश एक्सपेंसिस ऑन ओल्ड एसेट इलेवन लैख ट्वेंटी प्लानिंग पीरियड फोर ईयर्स टैक्स रेट थर्टी नीचे नोट लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट नाइनटी ऑफ द कॉस्ट इज टू बी डेप्रिसिएटेड इन द रेशो ऑफ फाइव इस टू सिक्स इस टू सेवन इस टू फोर ओवर फोर ईयर्स क्या मतलब उसका सर मतलब यह है कि जब डेप्रेशिएशन यानी कि जो है न्यू एसेट पे जितनी भी उसकी टोटल वैल्यू है डेप्रेशन कितनी वैल्यू वैल्यू हो रही है नाइन्टी फोर परसेंट जो वो वैल्यू हो रही है वो डेप हो रही है बाकी नहीं हो रही यानी कि सिक्स परसेंट अभी भी उसकी कुछ वैल्यू बची हुई है और बाकी जो नाइन्टी फाइव परसेंट है वो डेप हो रही है लेकिन वो डेप्रिश कैसे हो रही है इस रेशियो में हो रही है ठीक है

माइनस फाइव लैख ठीक है अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जब पुरानी मशीन बेचेंगे तो उससे कुछ वैल्यू भी तो होगी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था अगर आप उसकी बुक वैल्यू कितनी है आज के टाइम में जो ओल्ड एसेट है वो तीन लाख है लेकिन बेच कितने पे रहे उसको पाँच लाख पे तो आपका ओवरऑल गेन कितना हो गया दो लाख का तो दो लाख पे टैक्स भी देना पड़ेगा उसका रेट कितना है थर्टी परसेंट तो थर्टी परसेंट रेट के हिसाब से टैक्स दिया कितना अमाउंट सिक्सटी थाउजेंड ऐड करेंगे क्यों ऐड करेंगे क्योंकि हम क्या निकल रहे, है? रहे हैं आउट फ्लो कैश जा रहा है और जो स्क्रैप वैल्यू है जब बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है तो उसको क्या कर रहे हैं हम माइनस तो, तो टोटल अमाउंट कितना है दैट इज फॉर कैश आउट फ्लो न कमिंग टू सब्सिक्वेंट कैश इन फ्लो अब यहां पर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ध्यान से देखिए देखिए सब्सिक्वेंट कैश एंड फ्लो जैसा आपको बताया हमें जो याद रखना जब भी आप आपको डिसीजन लेना है बिटवीन ओल्ड एंड न्यू तो फिर जो सबसे कम जो आपका जो बोलते हैं जो आपका क्वेश्चन में जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होगा वो होगा सबसे कम कैश इनफ्लो क्यों क्योंकि यहाँ पर जब आप जब आप निकालते हो दैट मीन प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स ये तो आप निकालते ही हो ये आपको कौन सी वेल्यू लेनी होती है बेसिकली ये वैल्यू लेनी होती है आपको इंक्रीमेंटल बेसिस पे इसका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि पुराने मशीन पे जो जितना आप प्रॉफिट कमा रहे थे वो तो कमा ही रहे थे कुछ ना कुछ तो कमा ही रहे थे लेकिन न्यू एसेट आप क्यों परचेज करना चाह रहे हो क्योंकि वो उससे आपकी सेल बढ़ेगी ऑब्वियसली कॉस्ट भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी बट सेल आपकी मोरलेस ज़्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर टू कॉस्ट तो उससे क्या होगा आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट बढ़ेगा ठीक है और फिर आपका कंपेयर करोगे ओल्ड एसेट से तो जब आप न्यू प्रोजेक्ट या न्यू मशीन जब खरीदते हो तो आप देख रहे हो कि आपके एडिशनल आपका कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है हर साल तो इसलिए हम यहां पर निकाल रहे हैं दैट इज कैश इनफ्लो का मतलब हो रहा है कि हर साल आप जब आप न्यू मशीन खरीदने के बाद आपको एडिशनल कितना कैश इनफ्लो आ रहा है और इसका मतलब क्या हुआ दैट हुआस दे आर आस्किंग फॉर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और एडिशनल प्रॉफिट और कौन से प्रॉफिट की बात पता है टैक्स राइट अब देखिए अगर आपको इंक्रीमेंटल निकालना है तो कैसे करोगे इंक्रीमेंटल निकालेंगे मतलब आपको मेथड क्या होता है दैट मीन्स प्रॉफिट फॉर न्यू मशीन माइनस प्रॉफिट फॉर ओल्ड मशीन तो ये इंक्रीमेंटल आ जाएगा देखिए ऑब्वियसली सीधी सी बात है जब आप न्यू एसेट खरीदोगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी ठीक है पुराने मशीन हो सकता है कि वो क्या कहते हैं जो टेक्निक है उसकी काफ़ी पुरानी होगी आपने जो काफ़ी एडवांस है वर्कि अपनी मशीन खरीद रहे हो तो obviously उससे आपका प्रॉफिट जनरेट होगा तो तो वो जो वो हमेशा क्या करते है? new minus old. Right? अब additional profit ही हैं अब देखना है तो अब हमें क्या क्या करना है पर पर देखिए इस question में करते थोड़ा कॉम्प्लीकेट और बन गया क्यों बन गया क्योंकि अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो क्या लिखा हुआ कि जो पुरानी मशीन है उस पर न्यू एसेट है उसका डेप्रिसिएशन जो अमाउंट है वो वेरी कर रहा है देखिए रेशियो अलग अलग लगी मैंने तो डिफरेंट हर साल का डेप्रेशन जो अमाउंट होगा वो अलग अलग होगा तो इसलिए हमें क्या हमें हमें करना पहले हमें निकालना होगा ओल्ड एंड प्रॉफिट फॉर न्यू एसेट फिर हम माइनस करेंगे तो मेथड वही सेम है बस हम अलग अलग मशीन का अलग अलग निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू गिवन है देखिए ओल्ड मशीन का एक्सपेंसिस गिवन है डेपरेशन आपको इतना गिवन ही है तो अब आपके हाथ में क्या हो गया प्रॉफिट आफ्टर डेप्रेशन बिफोर टैक्स सिक्स लाख नाइन्टी थाउजेंड देफ्टर डिजिटिंग थर्टी परसेंट टैक्स रेट आपके हाथ में कितना अमाउंट हो गया दैट इज़ फोर लैख एट्टी थ्री थाउजेंड उसके बाद हम कहीं डेपरेशन एड बैक करेंगे क्योंकि नॉन कैश आइटम है तो आपके हाथ में क्या गया प्रॉफिट आफ्टर डेपरेशन आफ्टर टैक्स फाइव लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड ये तो बहुत सिंपल तो कोई दिक्कत ही नहीं है देखिए एस एल एम मेथड में हमेशा बहुत ईजी होता है तो कुछ दिक्कत नहीं थी मेन आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है जब आप मेथड से करते हो बिकॉज थोड़ा कैलकुलेशन uh, थोड़ी टफ हो जाती है तो वो आपको बहुत ध्यान से देखना होता है तो आपके हाथ में आ गया प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स फॉर ओल्ड एसेट एसेट अब न्यू का निकालेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर जब न्यू एसेट एस तो अलग अलग साल का निकालेंगे क्यों निकालेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन जो अमाउंट है वो अलग अलग है -अल इसलिए -अल हमें ऐसे निकालना पड़ रहा है तो देखिए रेवेन्यू गिवन है वो सेम रहेगा दैट इज फॉर एवरी ईयर कैश एक्सपेंसिस सेम दट इज नाइन फिफ्टी थाउजेंड फॉर एवरी ईयर डेप्रेशिएशन डब्ल्यू डी वी मैथड ऑफ वर्किंग नोट देखिए यहाँ पर देखिए कैसे निकाला मैंने देखिए कॉस्ट कितनी है बारह लाख सर बारह लाख कैसे आई देखिए यहाँ पर टेन लाख की मशीनरी थी दो लाख की इंस्टॉलेशन टोटल अमाउंट कितना हो गया बारह लाख अब यहाँ पर क्या लिखा होता है कि न्यू है सेटअप वो कितना है सिर्फ नाइन्टी फोर परसेंट जो है वो वैल्यू डेप्रेशिएट हो रही है बाकी नहीं हो रही तो देखिए यहाँ पर क्या करा है ट्वेल्व लाख का नाइन्टी फोर परसेंट जो कि कितना अमाउंट हो गया लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड अब डेप्रेशन जो फर्स्ट ईयर है वो कैसे निकालना देखिए रेशियो कितनी है फाइव इज टू सिक्स इज टू सेवन इज टू फोर ठीक है इस रेशियो निकालना है दैट मीन्स फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी टू सिक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी टू सेवन डिवाइड बाई ट्वेंटी टू फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी टू ये अलग अलग से एक ईयर का निकल गया आपके हाथ में तो बस डेप्रेशन फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रेशन फॉर सेकेंड ईयर डेप्रेशन फॉर थर्ड ईयर एंड डेप्रेशन फॉर फोर्थ ईयर अब बस यही अमाउंट आपको ऊपर लिखना है देखिए यहाँ पर ये सेम अमाउंट यहाँ पर लिख दिए फिर आपके हाथ में क्या आ गया प्रॉफिट आफ्टर डेपरेशन एंड टैक्स दिस मच अमाउंट ये आपके हाथ में आ गया बस बाकी सब कैलकुलेशन सेम है ही टैक्स माइनस कर दिया डेपरेशन एड भी कर दिया तो देखिए आपके हाथ में देखिए क्या है ये आया आपका प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट बिफोर डेपरेशन आफ्टर टैक्स फॉर न्यू एसेट ये न्यू एसेट का है ये आपके हाथ में आ गया बट हमें क्या चाहिए हमें चाहिए इंक्रीमेंटल तो क्या करना है हमें ओल्ड एसेट और प्रॉफिट जो माइनस करना होगा तो वो कितना था दैट इज फाइव लैक नाइनटी थ्री थाउजेंड और वो सेम रहेगा क्योंकि डेप्रेशन जो है वो सेम था फॉर एवरी ईयर तो इसलिए हमने डेपरेशन माइनस कर दिया सो वी विल गेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर दिस मच अमाउंट राइट अब बात करते हैं टर्मिनल की टर्मिनल में देखिए आप, आपका आप, आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा एक तो जो आपके पास प्रेजेंट जो एसेट है ठीक है उसकी स्क्रैप वैल्यू वैल्यूनी है उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है देखिए लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू ऑफ द न्यू एसेट आफ्टर फोर ईयर वो कितने कितनी बिक जाएगी साढ़े तीन लाख की लेकिन जब कोई आप जब आप पुरा, आ, कोई मशीनरी बेचते हो तो उसकी कुछ बुक वैल्यू भी दोगी बुक वैल्यू कितनी है देखिए अगर आप बात करें इस जो प्रेजेंट एसेट है तो वो डेप्रिशन उस पर लगाएं अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नाइन्टी फोरसेंट जो वैल्यू डेप्रट होगी सिक्स परसेंट अभी बची है ठीक है तो हमने मशीनरी कितनी खरीदी थी बारह लाख की छह परसेंट छह परसेंट वैल्यू जो वो डेप्रेशियट नहीं हुई तो बारह लाख का छह परसेंट कितना सेवेंटी टू थाउजेंड तो वो वो वैल्यू अभी भी बची होगी तो बस और वही उसकी एट प्रेजेंट क्या होगी उसकी बुक वैल्यू तो बस देखिए बुक वैल्यू कितनी है सेवेंटी टू थाउजेंड वैल्यू कितनी रहेगी टू कि? लाख सेवेंटी थाउजेंड इस पर थर्टी परसेंट जो टैक्स दे क्यों देना होगा सर क्योंकि ये क्या होगा आपका कैपिटल गेन भाई बहत्तर हजार की एसेट आपने साढ़े तीन लाख में बेची तो क्या होगा आपका कैपिटल गेन एयराइज हो गया ना तो वो इसका रेट कितना आ गया आपका थर्टी परसेंट जो कि कितना आ गया एट्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड राइट इसके बाद देखिए आप जो वर्किंग कैपिटल था इनिशियल में वो एडिशनल कितना लगा था टू लेफ फिफ्टी थाउजेंड क्या आपने उसको कहीं पर उसको बीच में सेल ऑफ तो करा नहीं है हमने सबसे कंड कैचिन फोर निकाला अभी क्या बीच में कहीं वर्किंग कैपिटल आपने सेल ऑफ की नहीं करी तो इसका मतलब क्या हुआ जो इनिशियल जो उसकी वैल्यू थी अब देखिए प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आपके पास जो भी सबको सामान होगा जितने भी एसेट होगी वह उसको क्या करोगे सेल ऑफ करोगे तो जितने भी करंट एसेट है या करंट लाइबिटीज है उन सबको आप निकाल दोगे भाई जितनी भी लाइबिटी पे ऑफ कर दोगे करंट एसेट होगी वो आप कैश जनरेट करोगे तो वर्किंग कैपिटल क्या तो आपका करंट एसेट माइनस करंट लाइबिटीज तो जितना भी नेट अमाउंट आएगा वो हम लिख देंगे लेकिन यहाँ पर बीच में कोई इंफॉमेशन कुछ बातें नहीं करी तो इसका मतलब क्योंकि यही सेम अमाउंट एट दी एंड वो रियलाइज हो जाएगा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का सॉरी एड हो गया तो बस फाइनल आपके पास कितना आ गया राम जी एंड कंपनी इज प्रपोजल देखिए फिर से आगे पास कोई पुरानी मशीन या पुरानी एसेट जरूर होगी उनके पास टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स ओल्ड प्लांट कॉस्टिंग रुपीज एटी थाउजेंड यानी मशीन की कॉस्टिंग कितनी है अस्सी हजार की

देखिए जब पुरानी जब पुरानी मशीन थी जब खरीदी थी उसकी वैल्यू अस्सी हज़ार थी लेकिन आज के टाइम पे उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो कितनी है पच्चीस हजार रुपये और आज के हिसाब से उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी पच्चीस हजार है लेकिन अभी भी उसकी कुछ इकोनॉमिक लाइफ फिर बेची कितनी की चार साल की और चार साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी इंडियन लेकिन एक हवा अगर उसको हम आज ही बेचते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू कितनी है बीस देखिए बुक वैल्यू कितनी है पच्चीस और बेच कितने मिले हैं इसको बीस में तो क्या होगा यहां पर कैपिटल लॉस कितने का फाइव थाउजेंड का तो यहां पर क्या होगा टैक्स सेविंग होगा ठीक है टैक्स पे नहीं करना आपको है आपको टैक्स सेव करना है उसके बाद द न्यू मशीन कॉस्टिंग रुपीजन लाख फिफ्टी थाउजेंड इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ फोर ईयर्स स्क्रैप वैल्यू ऑफ रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड यानी कि न्यू एसेट है उसकी कॉस्टिंग कितनी है डेढ़ लाख रुपए है और आप चार साल बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू कितनी है फिफ्टीन थाउजेंड न्यू मशीन दी न्यू मशीन ड्यू टू इट्स टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल सुप्रियोरिटी इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट एनुअल बेनिफिट बिफोर डेपरेशन एंड टैक्स अमाउंटिंग रुपीज सिक्सटी फाइव थाउजेंड यानी कि जो न्यू मशीन है जो कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पैंसठ हजार रुपये का जो वो एडिशनल जो वो है वो प्रॉफिट कमा के दे गया देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन फिफ्थ में किया था हमने सबसे क्वेंट कैश इनफर्ड निकाला था उसमें हमने क्या निकाला था एडिशनल प्रॉफिट निकाला था

तो तब भी टैक्स नहीं देना और अगर कैपिटल लॉस हुआ तो टैक्स सेविंग भी हमें दिखाना नहीं है जैसा अभी देखा था हमने यहाँ पर फाइव थाउजेंड का कैपिटल लॉस हुआ था टैक्स सेविंग हो रहा था यहाँ पर लेकिन यहां बोल रहे हैं लेना ही नहीं है ओनली इन द केस ऑफ कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस प्रॉफिट पे तो होगा बट कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस पे नहीं करना तो देखिए क्वेश्चन नंबर का कॉस्ट ऑफ देखिए न्यू मशीन कितनी है दैट इज स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट कितनी है ट्वेंटी थाउजेंड तो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना हो गया वन थर्टी यहाँ पर हमने टैक्स का जो यहाँ पर इफेक्ट नहीं लिया क्यों नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर बैकेट में लिखा हुआ लास्ट पॉइंट पे कि यहाँ पर ना तो कोई टैक्स देना ना ही कोई टैक्स सेव करने का हाँ कोई इफेक्ट लेना है नहीं है तो बस सिंपली आपकी दो ही आपकी टर्म आएगी दैट इज कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड सेट चलिए अब आते हैं सबसे क्वेंड कैश इनफ्लो पे देखिए ये आपको जो है इंक्रीमेंटल ऑलरेडी गिवन था इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रेशन टाउं रुपीज सिक्सटी फाइव थाउजेंड बट डेप्रेशन लेना आपको इंक्रीमेंटल गिवन नहीं था बट वो निकालना पड़ेगा तो देखिए डेप्रेशन और न्यू एसेट कितना है एंड ओल्ड एसेट कितना है सिक्स टू फाइव जीरो निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको तो इंक्रीमेंटल डेप्रेशन कितना हो गया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और वही अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रेशन बिफोर टैक्स कितना थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड

उसके बाद कहते हैं टर्मिनल कैश आउट इनफ्लो स्क्रैप वैली ओपनिंग थाउजेंड सर यहाँ पर आपने फिर वो नहीं लिया टैक्स का टैक्स लेने का मतलब भी नहीं बना क्यों क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ था आपने लास्ट में पढ़ लिया चलिए टू क्वेश्चन नंबर सेवन तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन गोपीकांत लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन एसेसिंग द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड मशीन बाय अ न्यू मशीन दी ओल्ड मशीन अबाउट अ फ्यू years बैक हैज़ अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज नाइन्टी फाइव थाउजेंड एंड इट कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज़ नाइनटी फाइव थाउजेंड देखिए क्वेश्चन लिए मुझे ध्यान से पढ़ना क्या लिखा होगा यहाँ पर कि जो पुरानी मशीन है उसको कुछ साल पहले खरीदा गया था कि जब उसकी वैल्यू कितनी थी नाइन्टी फाइव थाउजेंड और उसको आज हम नाइन्टी फाइव थाउजेंड पर इसको सकते हैं सॉरी सॉरी पुरानी मशीन जब खरीदी थी उसकी वैल्यू नहीं लिखी लिखा हुआ है कि पुरानी मशीन कुछ साल पहले खरीदी थी जिसकी आज बुक वैल्यू कितनी है नाइन्टी फाइव थाउजेंड और उसको नाइन्टी फाइव थाउजेंड पर ही उसको बेच सकते हैं आगे लिखा हुआ है दैट इट हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ फाइव ईयर्स आफ्टर विच इट्स सैलवेज वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी नील यानी कि अगर पाँच साल बाद बेचेंगे तो उसकी वैल्यू नील होगी लेकिन आज बेचेंगे तो इसकी बुक इसकी जो वैल्यू बुक वैल्यू के इक्विवेलेंट है दैट इज नाइन्टी फाइव थाउजेंड It is being depreciated annually at the rate 15% on WDB method. The new machine costing rupees 4 lakh 20,000. It is expected to fetch rupees 2 lakh after 5 years when it will no longer be required. It will be depreciated annually at the rate of 30%, same as WDB method. The new machine is expected to bring a saving rupees one 130,000 in manufacturing cost. investment in working capital would remain unchanged the tax rate applicable to the firm is 40% percent dekhiye jo new machine hai uski jo cost hai wo kitni hai 420 5 saal baad uski jo scrap value kitni aa rahi that is 2 lakh iska depreciation rate kitna hai that is 30% on wdv method और जो new machine है वो इतना profit कमा के दे रही है यानी कि वन लैख थर्टी थाउजेंड देखिए पुराने मशीन का हमें प्रॉफिट गिवन नहीं था न्यू मशीन का गिवन है और पहले तो saving, वो तो वर्ड लिखा हुआ दैट मीन्स ब्रिंग अ सेविंग दैट मीन्स वो एडिशनल सेविंग करके दे रही तो एक तरह से प्रॉफिट हुआ तो ये आपको क्या गिवन है ये गिविन आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स दैट इज वन थर्टी थाउजेंड टैक्स रेट अप्लीकेबल कितना दैट इज फोर्टी परसेंट देखिए वैसे देखा जाए क्वेश्चन में कुछ कुछ दिक्कत नहीं है सिंपल है यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट वो ये है क्योंकि दोनों ही जो मशीन है उस पर डिप्रेशन क्या लगा रहा है आपका डब्ल्यू डी वी मेथड तो बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है चलिए कुछ सॉल्यूशन देखते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितनी है दैट इज़ फोर ट्वेंटी सोल्ड कर दिया उसको नाइन्टी फाइव थाउजेंड पर सर आपने इस पर टैक्स तो निकाला नहीं है टैक्स कैसे होगा जिसकी स्क्रैप वैल्यू नाइनटी फाइव थाउजेंड ने पुराने मशीन की उसकी बुक वैल्यू कितनी है वो नाइन्टी फाइव थाउजेंड नहीं है तो ना तो कैपिटल गेन अराइज हुआ ना ही कैपिटल लॉस हुआ ठीक है तो टैक्स तो कुछ आएगा ही नहीं तो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा दैट इज थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे गिन कैश इनफ्लो की तो यहां पर देखिए कौन सा प्रॉफिट है ये इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रेशन एंड लाइक था अब इंक्रीमेंटल चाहिए तो देखिये डेप्रेशन पर निकाला हुआ है वो कितना है, आपका? कितना है? 15, तो बस आपकी वैल्यू क्या क्या है ये है आपकी ये इंक्रीमेंटल है बस ये वैल्यू अपने हमने ऊपर लिख दी उसके बाद आपको टैक्स माइनस कर दिया डे एड बैक कर दिया अब आप आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर एंड टैक्स फॉर ईच ईयर सिंपल है देखिए मैंने कहा था बस आपको जो है वो कैलकुलेशन uh, वो बहुत ध्यान से करनी है टर्मिनल में देखा होगा पुरानी मशीन तो बेच ही दी है अब जो एट प्रेजेंट जो वैल्यू है उसकी uh, वो कितनी बिगड़ी थी दो लाख में बट उसकी कुछ वैल्यू बुक वैल्यू भी तो होगी दो लाख की तो क्या कर रहा यहाँ पर मैंने क्या करा सबका कर जो डिप्रीशियन मैंने निकाला हुआ था तो क्या वो कर दिया वो मैंने सबका माइनस कर दिया तो बुक वैल्यू कितनी हुई दैट इज सेवेंटी थाउजेंड फाइव एटी नाइन तो क्या हुआ ये ये कैपिटल गेनराइज हो गए यहाँ पर तो उस पर जो टैक्स देना पड़ेगा फोर्टी परसेंट अकॉर्डिंग तो बस वो यहाँ अमाउंट लिख दिया तो बस अब आपके क्या आज में क्या आ गया टर्मिनल कैश इन फ्लो दैट इज वन लाख फोर्टी एट थाउजेंड टू थर्टी सिक्स राइट कहा था देखियो मैं आपको क्या करना है आपको बस अपना जो है कंसेप्ट वो ध्यान रखना है कि कौन कौन सा आइटम कब आपको लेना है क्वेश्चन की आपको ब्रीफिंग अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है देखिए वैसे तो क्वेश्चन मोरलेस आपके यही सब आने हैं आपको बस लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर उधर घुमा घुमा दे, देंगे कि न्यू एसेट का क्या है पुराने एसेट का क्या है आपको दो चीज़ में घुमा सकते हैं एक तो आपका डेपेशन हो गया दूसरा आपका हो गया कैपिटल या कैपिटल लॉस बस आपको देख रहे तो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस का बोरास होता है जब को, 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 कोई कोई सेल पहले तो देखना कि कौन सी एसेट वो सेल हो रही है और कब हो रही है दूसरी बात जब आप कोई भी एसेट बेच रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ बुक वैल्यू हो तो होगी तो कंपेयर करना है बस उसको कैपिटल गेन हो गया फिर कैपिटल लॉस होगा इसके बाद कहते हैं डिप्रेशन की डिप्रेशन वो देखना है कि डिप्रेशन तो का मेथड क्या है अगर ऐसा ला में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तो डब्ल्यू डी वी है दिक्कत तो वो भी नहीं है बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन थोड़े में आपको टाइम लगेगा दैट्स इट चलिए क्वेश्चन नंबर रामलाल एंड कंपनी फॉर्म इज करस एगो फोर रुपीज देखिए क्वेश्चन को लेंग्वेज बुधान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है कि कंपनी ने मशीनरी जो खरीदी थी दो साल पहले कितनी खरीदी थी, थी सत्तर हजार की अब उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी फाइव ईयर्स

अगर उसको बेस दें तो उसकी सेल वैल्यू कितनी एट्टी थाउजेंड कि फर्स्ट पार्ट यानी चार पार्ट दिए हुए हैं तो फर्स्ट पार्ट में तुम्हारे क्या बोला हुआ है कि अगर पुरानी मशीन की सेल वैल्यू अगर एटी थाउजेंड है तो उसके हिसाब से कैश फ्लो क्या होगा सिमिलरली फिर हमें अलग निकालना है दैट मीन साठ हज़ार का अलग पचास हज़ार का अलग तीस हज़ार का अलग तो मैं आपको एक मेथड कर बाकी आप मेथड खुद कर लेना तो देखिए क्वेश्चन नंबर एट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन देखिए कितना गिवन है आपको वन लाइक फोर्टी थाउजेंड इंस्टोशन कॉस्ट गिवन है एडिशन गिवन है आपको स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कितना गिवन है आपको एटी थाउजेंड बुक वैल्यू कितनी है फिफ्टी थाउजेंड सर फिफ्टी थाउजेंड बुक वैल्यू गिवन ही थी नहीं देखिए गिवन नहीं थी लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना ध्यान से देखिए यहाँ पर ये टाइम लाइन है आपने मशीनरी जो है वो सेवनटीन थाउजेंड की दो साल पहले खरीदी थी यानी कि जैसे एक दो तीन चार पाँच छ ये सात साल हो गए वन टू थ्री फोर Five, six, seven. Seven हो अब दो साल बाद दो साल बाद इस पर वैल्यू कितनी होगी देखिए हो रहा है यानी कि होगी, ठीक है? और डेपरेशन निकालो तो कैसा निकलेगा देखिए तो हर साल वैल्यू कितनी डेपरेशन रही है टेन थाउजेंड पर एन एम के हिसाब से तो दो साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी पचास हजार बस दस हजार यहाँ लेस हो गया दस हजार यहाँ लेस हो गया बच्चे कितनी उसकी वैल्यू पचास हजार ठीक है तो दैट मीन्स दो साल बाद इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी वो फिफ्टी थाउजेंड होगी इसलिए यहाँ मैंने फिफ्टी थाउजेंड सेल कितने में कर रहे हैं इसको अस्सी हज़ार में तो कैपिटल गेन एर हो गया यहाँ पर तीस हज़ार का जिसपे चालीस परसेंट के हिसाब से टैक्स पे करेंगे तो बस ये तीस हजार का आपका चालीस परसेंट कितना आ गया बारह हज़ार यहाँ आ गया तो बस इनिशियल कैश इन कितना आ गया आपका एक लाख बारह हजार अब बात करते हैं सबसे कैच इन ब्लॉगिंग देखिए वैसे तो देखिए डेप्रेशन यहाँ पर दोनों ही केस में आपका एसएलएम में था बट यहाँ पर कहता है आपका जो डेप्रे जो प्रॉफिट है ना वो सेम नहीं है अलग अलग है इसलिए हमें टेबलेट फॉर्म बनाना पड़ा तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच यानी कि ईयर का बनाया मैंने प्रॉफिट गिवन आपको हर साल का बीस हज़ार तीस हज़ार

तो उतने नहीं लगेगा क्योंकि जो पुराने मशीन जो सॉरी जो प्रेजेंट प्रेजेंट जो मशीन है उसके स्क्रैप कितने कितनी नील तो ना ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई गेन हुआ ठीक है दैट्स इट नाउ रेस्ट ऑफ क्वेश्चन नाउ वी विल डू लेटर ऑन आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल थैंक यू